अरुण बिहारी के साथ और इस वीडियो के साथ सभी परीक्षार्थी को शुभकामनाएं जो 20 दिसंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक आप एग्जाम देने के लिए आए हैं दिल्ली पंजाब हरियाणा पंजाब या घर में जो भी छात्र छात्राएं 2022 का जो आप दे रहे हैं बीए पार्ट वन का एग्जाम उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को करुण बिहारी के तरफ से शुभकामनाएं हैं। अधिक नंबर से आप पास होइए और नए विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो के माध्यम से नई तरकीब से एग्जाम देने का भी तरकीब बता रहे हैं और थोड़ा टाइम लेकर आप जरूर सुनिए और अपने नज़दीकी सेंटर पर एग्जाम सेट पर जाकर एग्जाम दीजिए। सबसे पहला है कि बीए पार्ट वन का एग्जाम अगली बार जो है सिर्फ ऑनर्स का ही हो रहा है जो कि ग्रुप के माध्यम से दिखाया गया है। 20 तारीख से जो चल रहा है ऑनर्स का पेपर उनमें ग्रुप वाइज किया गया है जो 20 तारीख का है तो उसका दूसरे दिन होगा और इसी तरह जो है कि ग्रुप की तरह जो है कि परीक्षा लिया जा रहा है ओनर्स का, सिर्फ ओनर्स का हो रहा है ठीक। और इनमें से आपको बीए पार्ट वन के एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है, पासपोर्ट साइज किताब है तो उनको एक बार जो है कि देख लेना है ऑब्जेक्टिव और उसका कहानी शीर्षक का नाम देख लेना है, उसके बाद जो है कि और जो कहानी का जो उसमें सारांश या प्रश्न है उसको भी देख लेना है, वो देख लिए उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना है कैसे अधिक नंबर लाना है वो हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। सबसे पहला है कि पहले 10 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, मिनिमम 10 क्वेश्चन रहता है तो उसमें जो है कि 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक नंबर क्वेश्चन में आएगा ऑब्जेक्टिव जिसमें कि ऑब्जेक्टिव में दो पार्ट होगा जैसे क ख ओ, उसमें जो है कि ग्रुप एक होगा मिलन टिक लगाने वाला चार आंसर में और उसके बाद नीचे में होगा उसी में दूसरा में रूम ख नंबर में उसमें आएगा मिलन चिन्ह या वो सत सत लिखने के लिए ठीक है। तो इस प्रकार उसमें 20 नंबर में आपको कम से कम 10 नंबर या सब्बे नंबर आप लग सकते हैं 20 नंबर ला सकते हैं ठीक है, वो एडवांस हुआ आपका। बचा चार क्वेश्चन लॉन्ग उधर जो 8 क्वेश्चन बचा है, नौ क्वेश्चन में जो है 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, वो आपके अनुसार जो समझ में वो क्वेश्चन पहला आएगा हम इसका यानी हाउ नंबर जानते हैं कि हाँ इसका ये आंसर होने वाला है सबसे पहले वो क्वेश्चन बनाना है चाहे जिस नंबर में है ठीक है। उस नंबर में एक क्वेश्चन का बता रहे हैं, जैसे आपको पता हो गया कि नहीं हमको 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब हमको कन्फर्म मालूम है कि 8 क्वेश्चन का हम जानकारी 8वां नंबर क्वेश्चन का जानकारी जानते हैं तो उसको 8 लिख कर आंसर लिख देना है, आंसर देखकर उसका हेडिंग लाइन लिख कर उसमें विशेषता जो भी लिखना है जैसे भी आपको लिखने का हैबिट है देने का एक्सपीरियंस है उस प्रकार जो है कि एक उसमें लिखना है। उसके बाद क्रम वाइज रोमन नंबर 1 दिए उसके विशेषताएं बताएं, उस शीर्षक का जो है कि कहानी बताएं, उसका जो है कि अनुभव क्या है वो चीज़ लिखना है जो भी आपके समझ में आए उस तरह लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जैसे दूसरा 8 नंबर का दे दिए जैसे मान लीजिए, उसके बाद आपको आगे नहीं हमको जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन का हमको जवाब अच्छा हम दे सकते हैं करीबी में जल्दी जल्दी लिखे, उसके बाद जो समझ में नहीं आएगा उस क्वेश्चन को बाद में यानी देखना है कि टाइमो देखने का आधा घंटा में हम कितना पेज लिखे उसको देखते जाना है भरते जाना है। कम से कम चार क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन को जवाब देना है, उसमें अगर 10-10 नंबर ला लिए 40 नंबर हुआ, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ गया 50 नंबर हो गया तो आप ऑनर्स पास हो गए। और अगर आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं तेज हैं और तो आपको नंबर 100 में तो ज़रूर है 90% लाइए लीजिएगा, ये तो करुण बिहारी की शुभकामना के साथ है। तो इसलिए ये हुआ लिखने का तरकीब क्योंकि सभी विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव जो है मोबाइल पर जो सर्च मार कर याद किए हैं और मेहनत नहीं किए हैं, इसलिए हम जानकारी दिए इस वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारी एग्जाम पास करने का नई तरकीब ये हम भी पास हुए हैं और सेकेंड डिवीज़न से हो गए हैं। तो इसलिए जो है कि ये हुआ जो
जो गरीब जो कि नॉर्मल है, जो कि सभी खेती बाड़ी करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं और कॉलेज नहीं जा पाए और आप दिल्ली पंजाब कमाते रहे, और या जो भी छात्राएं लोग हैं घर का काम वर्क में हैंड बताते रहे, उनके लिए विशेषताएं इस वीडियो के जानकारी दिए। और आप जाइए बेहिचक, चीट उट मत ले जाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा तो सब दिन का पढ़ाई पानी में फेरा जाएगा। इसलिए जो है कि चीट उट के भरोसे मत रहिए और अपने कलम के ताकत पर रहिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अवश्य है कि आप पास तो होना ही है, क्योंकि विशेष तो है ना, बॉर्डर का लड़ाई नहीं, एक भी बॉर्डर है, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड लगा के लिखिएगा ना तो अवश्य नंबर आएगा, ठीक है। इसलिए जो है कि इसी तरह लगातार वीडियो के साथ बने रहिएगा तो आप सब तक तो नई जानकारी के साथ सच्चाई दिखाते रहेंगे। और आप सब को ये 2022 दिसंबर महीना का हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल के लिए जो है कि एडवांस शुभकामनाएं आप सब को इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय बिहार।